हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, एज द नेम सजेस्ट, ऑर्बिटल यानी ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है दैट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसको समझ के लेंगे हम लोग। ओके, वी नो अबाउट सैटेलाइट्स, है ना। सैटेलाइट्स क्या है? दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और रादर देन से रिवॉल्विंग, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। ऑर्बिटिंग ये वर्ड काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा यहाँ पे, है ना। सैटेलाइट्स रिवॉल्व इस तरीके से कर रहे हैं अपने अर्थ के आजू-बाजू ऑर्बिट्स में, है ना। सपोज दिस इज वन सैटेलाइट, ओके, दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना। सपोज दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट h, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया अर्थ के सेंटर से, r + h, दैट्स इट। इस सैटेलाइट का मास है m, ठीक है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ विच दैट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सो दैट दिस सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन सर्क्यूलर ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? सर्क्यूलर ऑर्बिट, ओके। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की सो दैट सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन सर्क्यूलर ऑर्बिट, ठीक है। सपोज दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग विथ क्रिटिकल वेलोसिटी vc, यानी वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। अब जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगना चाहिए। अब यहां पे जो सेंटर की तरफ सेंट्रिपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय, कौन देगा उसको सेंट्रिपिटल फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स की तो जरूरत होती है। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स इस सैटेलाइट को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ। कितने फोर्स है? fg फोर्स है। तो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट, फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। समझ में? सेंट्रिपिटल फोर्स कितना रहेगा यहां पे? m vc स्क्वायर बाय r + h, है ना। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में मालूम है, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो r जो है यहां पे रेडियस कितना है इसके, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना है, सेंटर से लेके डिस्टेंस कितना है इसका, r + h। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है इसके अर्थ और सैटेलाइट के बीच में? ग्रेविटेशनल फोर्स g * प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन डिस्टेंस, सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? r + h, उसका स्क्वायर। r + h कट गया, स्मॉल m कट गया, तो vc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r + h। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r + h। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड, है ना। ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट मास ऑफ प्लैनेट, कैपिटल जी का कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अदर देन दैट इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लैनेट, यानी कौन सा मास है, कौन सा सैटेलाइट प्लैनेट है, सॉरी प्लैनेट है। इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ प्लैनेट, है ना। थर्ड इट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट किस हाइट पे है, यानी हाइट बदलेगा तो वीसी बदलेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। इसमें मास की टर्म नहीं है, मास ऑफ सैटेलाइट की, स्मॉल एम की टर्म, ठीक है। मतलब सैटेलाइट कितने भी किलो का रहे इट इज गोइंग टू हैव सेम क्रिटिकल वेलोसिटी एट सेम हाइट, सेम क्रिटिकल वेलोसिटी एट सेम हाइट, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ इसमें स्पेशल केस आते हैं, स्पेशल केस, ओके। इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस, है ना, अर्थ सर्फेस के बहुत पास में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में व्हाट वी कैन से, आर प्लस एच इज नियरली इक्वल टू अर्थ, बहुत पास में, यानी यहां पे सपोज, है ना। तो उस केस में आर प्लस एच किसके नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर। तो अगर यहां सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एम बाय कैपिटल आर। कैपिटल एम का वैल्यू मालूम है, 6 × 10⁴। कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁶, और कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹¹। सभी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, देन इट कम्स आउट टू बी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू फिक्स है, ये इतना ही आएगा, ये आपने याद रखना। क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू इट इज ऑलवेज 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द
अर्थ सर्फेस. सो डिड यू गेट द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, उसके डिपेंड किस चीज़ों पर करता है, किस चीज़ों पर डिपेंड करता है और किस चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, और स्पेशल केस की सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस. दैट्स इट.